क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का ये जो इवेंट है और I just like to say Equal is a platform to spread awareness and mainly to spread knowledge on equality. So I would really like if everybody could support it. Okay, ये कैसे ज़हन में आया कि हाँ इस तरीके का कोई पहल करनी चाहिए? I thought about it because I was actually very sensitive about the inequalities in our social system, and I actually used to hear and read about inequalities a lot. So I thought that you know it'll be a good thing if people are at least aware about what's happening, because in today's day and time there's no awareness also. So so many people are supporting It's been a very hard journey, of course. We've worked very hard, myself and Team Equal. So, I mean, yes, I just have to say thank you to each and every one of them who's a part of the Equal platform. There were many challenges in the journey because, you know, Instagram is still a very hyped up thing. And to get followers on Instagram and to make sure that, you know, people read our content and people know what we're talking about and to make our point very clear to people is very, very important. So, you know, when you have to post something, you have to think about it, is there going to be a controversy after that or no? Is it okay politically correct and stuff like that? मैं ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को सब क्रेडिट देना चाहूँगी. मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है एंड आई एम फॉलोइंग हर फुटस्टेप. शी इज़ बीन द फर्स्ट वर्किंग वुमन इन माय फैमिली. सो यस, एंड आल्सो माय डैड बिकॉज ही इज माय सपोर्ट सिस्टम. सो या Equal, in the coming future, we're working with a few NGOs and we're also collaborating with Vasan Foundation. Via Vasan Foundation, we've already ventured into the health segment. We're going to be doing menstrual health campaigns very soon, and we've also adopted a village with Vasan Foundation in Maharashtra. प्रणया इंडिया की सबसे यंगेस्ट एनजीओ चलाने वाली हो जाएंगी आज के बाद से. जी कितना प्राउड फील कर रही हैं आप? प्राउड तो मैं फील कर रही हूँ, बट आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी सपोर्टिंग मी. सो या और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो अपील करना चाहेंगे कुछ मन में है आपके? मैं लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी कि लोग ये कॉज को समझें और हाँ बस इक्वालिटी के बारे में वो समझें कितनी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी नॉर्मल नहीं है. Equality is as our platform Equal is speaking about equality in general. It speaks about gender, race, income, everything. It's not only gender. We're not only speaking about feminism. We cover all topics about equality. Thank you so much. Well done. ऐसी कोई बच्ची है जो इतना बड़ा काम करने जा रही है, चलाने जा रही है, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? प्रणया इज समवन वेरी डियर टू मी. मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है बिकॉज एकता उनकी मदर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो मैं प्रणया को बचपन से जानती हूँ एंड शी इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन. ये सोच होना इस उम्र में कि मैं कुछ एक डिफरेंस लाना चाहती हूँ और उसके ऊपर एक्ट करना, वही बहुत बताता है एक बच्चे के बारे में कि वो इस उम्र में ऐसे सोच सकती है तो 5 साल बाद हम उसको कहाँ देखेंगे, प्लस वो कितना डिफरेंस ला चुकी होगी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट प्रणया इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ हर्स. एंड ऑल्सो आई थिंक द प्रोजेक्ट जो उसने पिकअप किया है वो कितना रेलिवेंट है आज की टर्म्स में. अगर सच्ची में ये अपनाया जाए तो बहुत एक अवेयरनेस और एक थिंकिंग में चेंज आएगा और बहुत बेनिफिट होगा बहुत लोगों को. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोजेक्ट शी इज चोजन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट हर. कितना जरूरी है अर्चना जी यंग लोगों का इस फील्ड में खास करके आना, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने एकदम सही बोला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि यूथ ही तो कल का यू नो हमारा टुमारो है और अगर यूथ में थॉट प्रोसेस में चेंज आएंगे और वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे चेंज करने में, पूरा द होल बेसिस ऑफ दिस थिंग इज़ अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस एंड द चेंज इन द थॉट प्रोसेस विल कम थ्रू अवेयरनेस. तो बहुत नेसेसरी है यूथ का ये करना और वो जिस प्रोसेस से कर रही है आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम श्योर शी विल मेक अ डिफरेंस. अर्चना जी कुछ अपील करना चाहेंगे लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें या? जी हे दिस इज़ अर्चना कोचर एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू सपोर्ट प्रणया इन द वंडरफुल एंडेवर दैट शी इज़ डूइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल. थैंक यू.
में इतनी बड़ी जवाबदारी उन्होंने अपने कंधे पे ली है, कितना जरूरी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके तरफ से, क्या शुभकामनाएं उनको बताना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जब मुझे फ़ोन किया गया और मुझे बोला गया कि 14 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, आई वॉज सो प्राउड। आई मीन आई फेल लाइक ओ माई गॉड, अभी 14 ईयर ओल्ड आर डूइंग दिस, हम लोग ने तो पता नहीं, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर सेल्व्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रणया एंड आई होप शी रिसीव्स अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वी आर देयर टू सपोर्ट हर। सर कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे यंग लोगों का इस फील्ड में आना, ताकि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके, फायदा मिल सके? सी, पहली बात तो सब लोग अपने में इतना खोए हुए हैं, सब लोग अपना जर्नी, अपना सक्सेस, अपना करियर बनाने में लगे हैं। तो जो इंसान रुक के थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, सबसे पहले आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर द इंटरनल ग्रोथ एंड द सोसाइटी। बहुत कम लोग वापस देते हैं सोसाइटी को, सब अपना अपना सोचते हैं। सो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस अवेयरनेस को हेल्प करना, इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाना, लोगों को ऐसे साथ में लाना, आप सबको इन्वॉल्व करना और ये बातें रीच कराना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी स्टार्टेड ग्रेट, हर पेरेंट्स मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ हर एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर, सो वेल डन टू प्रणया। सारा क्या कर रहे हैं निजी जीवन में, क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ा सरप्राइज है। अभी आई प्रोड्यूस 2 म्यूजिक वीडियोस, अभी आगे बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है एंड एक्टिंग भी करना है, तो वो बातें चल रही है। सो अभी इट्स टू अर्ली इन दैट स्टेज। थैंक यू सो मच। I think it's a very gorgeous initiative she has taken, and she's very young. And I think we need to have more like Pranaya Vasan kind of a, you know, children coming up and supporting such an important cause of equality. And the name itself sounds so beautiful. I think so. This whole subject is very sensitive and very emotional to me, because during my time when I was growing up in a childhood, you know, it was very difficult for us to talk to our parents about equality. But now the situation and scenario has completely changed, okay? If young people like her coming up and, you know, having this cause, helping people out from the closet, helping people out into a different fields, I think she's doing a great job. And any point of time, if I can be useful for her, I'll be more than enough to support her. That's great. You always know that people are very, very supportive. Thank you so much for having me. What do you think? I'm sorry? For me, equality is something, you know, that like how love has no gender, you know, like soul has got no gender. So I think so, being men, woman, gay, LGBT, I think we only humans have created this adjective and words and these words on the dictionary, okay? For me, everybody is created by Lord Krishna. The way soul has got no gender, so I think we all have to treat everybody equally with a lot of respect, all right, and understand the emotions behind it. And it's very important when you start recognizing your own soul, what you are, right? That this world will be very beautiful place for you. So I always believe, like I always say, that give to the world the best you have, and remember the best will always come back to you. And that's what I have learned in my life, and that's what I spread around the word of peace, love, and equality. Thank you so much. Thank you. Thank you, Prabhupada. पहले तो मैं हम बहुत ही खुश हूँ ये देख कर कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस किया है, कि हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है उसको, शी हैज़ कम अप विद समथिंग लाइक दिस।
she is already you know so matured in her thinking, यानी उसकी upbringing इतनी अच्छी रही है और हम अब उसी को और उसके विचारों को promote करने के लिए यहाँ आए हैं और उसके विचार इतने शुद्ध है, they're so pure and so good and this is our new generation. तो हमें बहुत proud होना चाहिए और हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आगे लिया है. ये इक्वालिटी अमंग्स एवरीबडी, ये इक्वालिटी हर चीज़ में हो सकती है. यू नो आई थिंक प्रणाया हैज टेकन अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड आई एम ऑल प्रो फॉर इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वाबीज एंड तन्वी फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, वरना मैं बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मिस कर दे. थैंक यू. और इस तरीके का यंगस्ट अगर इस फील्ड में आते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं या अवेयर करते हैं लोगों को, कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है ये कार्यक्रम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा यूथ आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देता है. यूथ क्या, हर कोई सोशल मीडिया पे दिखाई देता है. जैसे वो मैंने आज ही पोस्ट किया था, मैं भी हूँ लेकिन मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. मुझे ये लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल रहना है लाइफ में तो आप अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिएगा, देन यू स्टार्ट वर्किंग. यू नो गेट ऑफ द सोशल मीडिया एंड स्टार्ट वर्किंग. बट प्रणाया जैसे लड़कियाँ जो इनिशिएटिव लेती है और सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. क्योंकि जैसे आपने वो देखा ही होगा, वो तीन मंकीज होते थे, यू नो ये वाले, तो अभी दूसरा वाला है व्हाट्सएप वाला. तो यू नो आई थिंक कि आजकल की यूथ अगर सोशल अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करे सोशल मीडिया को छोड़ के, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है, कल जाके यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही हमारे DM बनेंगे, यही हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड आई विश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता और लोग हमारे, जब हम बच्चे थे हमारा, क्योंकि बच्ची ही है वो, 14 साल की लड़की बच्ची ही होती है, लेकिन उसने इतने मैच्योरिटीज के साथ इतना बड़ा स्टेप लिया. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ. इक्वल की बातें हो रही हैं जी, इतना जरूरी है आज के समय में, बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरतें बहुत आगे चली गई है ना. वी आर ऑलरेडी सुपीरियर टू मेन, तो इक्वालिटी आप लोगों को देने के लिए बहुत ज़रूरी है. नो जोक्स असाइड, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नीडेड. इक्वालिटी, लव फॉर ह्यूमंस, लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर नेचर इज वेरी वेरी नीडेड. रिलीजन को साइड में रखो, कास्ट और क्रीड को साइड में रखो, कलर को साइड में रखो, लोगों के प्रेफरेंसेस को साइड में रखो. अगर आप, इफ़ यू टेक द एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव, आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो वॉर. हाँ, तो मैं अब डायरेक्टर बन गई, तो अब मेरी पहली फिल्म तो रिलीज हो गई, अभी सेकंड फिल्म श्रीमान ऐश्वर्य राय कंप्लीट है एंड वी आर वेटिंग टू शो यू गाइस द ट्रेलर. प्रोड्यूसर मेरा हस्बैंड है, मैं सिर्फ उनके पैसे खर्च करती हूँ. हम माओं को, हमारे बेटों को बहुत अच्छी तहजीब और एजुकेशन देना चाहिए कि अ नो मीन्स अ नो, अ नो डज नॉट मीन यस. तब जाके ये सब चीज़ें कम हो जाएगी और इवेंचुअली रुक जाएगी. तो मैं, क्योंकि मैं आज माँ हूँ और दो यंग बेटों की माँ हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को ये सिखाना कि रेप इज़ नॉट गुड. अ गर्ल सेइंग नो इज सेइंग नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अग्री. तो ये मेरे पे जिम्मेदारी, हम सब माओं पे, हम सब औरतों पे जिम्मेदारी है. एंड द फास्टर वी टेक इट द बेटर इट इज. इनफ ऑफ ब्लेमिंग मेन, आई थिंक वी शुड ऑल्सो टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. I mean, 14 ki age mein to do something so amazing, to work on equal and you know, is age mein usually hum is bare mein sochte bhi nahi hai, but she is doing a fabulous job and I'm so happy to be a part of this and very excited to meet her because I haven't met her yet, but I'm going to be seeing her, so super excited. Thank you. Thank you.
कहना चाहेंगे एनिमल की बातें हो रही है, प्राणाया बहुत यंगेस्ट इंडिया की यंगेस्ट डॉक्टर है या जो इतनी बड़ी जवाबदारी उनके कंधे पर आया है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इक्वल की बात यहाँ चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, माई नेम इज़ पामला सरीना रोल, मैं दुबई से हूँ, आई एम बॉर्न इन यू के, आई एम मिसिज इंडिया, आई मिसिज फॉर्मर मिसिज इंडिया यू के एंड आई एम मिसिज यूनिवर्स दुबई. सो मेरा जो काम है, आई एम रियली आई एम वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस फॉर एम्बेसडर फॉर पीस, एंड जो इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नाउ जो हम यहाँ लिविंग इन 2022, इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वुमेन शुड बी एबल टू डू एंड वर्क जस्ट एज इक्वली एज मैन शुड. So it's very important that we get to a situation where we can follow these rules and regulations, where it's not a taboo, where girls should be getting married at a young age and they shouldn't be able to work. We should have equal opportunities. So it's very, very important that we highlight these issues. We want men and women to be equal. We do things which are inequality. We are just as strong as men. So I mean, this cause you hear, she's a very young girl, she's 14 years old, and she's promoting this. So the new generation is heading towards equality. And ek choti si bachi, she's 14 years old, aur ye itna highlight kar rahi hai. So that should be it should be important that we follow this from the younger generation. ओके सो इंडिया में व्हाट आई हैव नोटिस्ड वर्किंग अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इंडिया में हमेशा वी हैव गर्ल्स व्हिच डोंट गेट एजुकेटेड सो ऑफ्टन, दे नॉट एज मॉडर्न, बट इन इंग्लैंड हमारा रूल है लाइक बनाया दैट हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ वी हैव टू गो टू स्कूल. इफ हम स्कूल नहीं जाएंगे तो पेरेंट्स को कोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा, दे विल गेट फाइन. सो वी हैव टू एजुकेट एंड बिल्ड आवर सेल्व्स, we have to go. But yahan pe if you don't send bachche ko school nahi bhejte to koi kuch karta nahi hai. So it's very important, unless you're from, I'm talking about the middle class and the lower class, unko hame promote karna chahiye that girls should have education as well. They don't need to get married at such a young age, they don't need to follow housewife rules. We need to step up the game and give the same opportunity jo high class mein hai aur low class aur middle class bachchon ladkiyon ko milna chahiye. आई थिंक कज्ञा ने बहुत ही फंटास्टिक काम किया है. वासन फैमिली, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज चाहिए जो ऐसे काइंड ऑफ इवेंट्स करें, और इट्स टाइम फॉर टेकिंग एक्शन एंड प्रोसीडिंग फर्दर. बहुत अच्छी बात है, एंड सच ए यंग कमेंडेबल, बच्चों को बहुत कुछ इससे सीख मिलेगी, इस इवेंट से स्पेशली. सारा बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, ऐसे डॉक्टर कितना प्राउड फील करती है ऐसे मदद. वेल डेफिनेटली जब बच्चे अच्छे करते हैं तो पेरेंट्स को तो प्राउड फील होता ही है, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं हर माँ को ऐसे लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग सब अपने तरीके से तो अच्छे करते ही हैं, बट एक होता है ना कि पता नहीं मेरी परवरिश मैंने बराबर की या नहीं, बट जस्ट वेन पीपल टॉक यू नो दैट यस यू रियली डन सम ग्रेट वर्क. सो इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग. सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड गॉड इज़ बीन काइंड. मेरा बुक लॉन्च नहीं हुआ, मैंने एक फैशन शो किया था इन कोलैबोरेशन विद रोहित वर्मा विधि विद ग्रो यंगर. मैं ये ग्रो यंगर ग्रुप चलाती हूँ विच इज 60+, उनको फैशन वॉक करा, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ग्रो यंगर मैगजीन लॉन्च की. तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मैगजीन कि इस एज में 60+ वाले लोग ने रैंप वॉक किया है, और उस मैगजीन में सब उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखा हुआ था. कैसा रहा एक्सपीरियंस उसका, 60+ जो पार्टिसिपेट किया लोगों ने, उनका ब्रीफिंग कैसा रहा या उनका फीडबैक कैसा रहा? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, एंड कहीं ना कहीं वेन यू क्रॉस दिस एज 60-70 एंड अबाव, समवेयर आपको लगता है यू स्लो डाउन, एंड फॉर मी टू डू दिस शोज वॉज अ लिटल अपलिफ्ट फॉर देम टू
get back their own, you know, when they were young, and they just felt so energetic and more confident. I think aise shows hone chahiye to just make them little every time awareness lana ki yes, you can do more and more and better because everybody was very happy. कई लोगों ने तो लेडीज़ ने कभी ऐसे कुछ किया ही नहीं था लाइफ में ना ही लाइक यू नो उनके फैमिली में कभी ऐसे कुछ सुना था तो फॉर देम इट वाज वेरी अमेजिंग थिंग. थैंक यू मालाजी. थैंक यू सो मच. सबसे यंगेस्ट बनाया लेडी है जिसके कंधे पर इतनी बड़ी जवाबदारी है और क्वालिटी की बातें हो रही है यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है. कितना ज़रूरी है इस तरीके का सब्जेक्ट पे आज चर्चा करना जिसमें आज तनाजी रानी भी शामिल हुई है. जी अच्छी. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रणाया जो आप कर रहे हो 14 साल में शायद यही नई पीढ़ी की शुरुआत है बिकॉज जो हम 40 इयर्स में नहीं कर पाए या सीख रहे हैं आप ऑलरेडी 14 इयर्स में कर रही हैं. आई थिंक दिस इज़ द न्यू जनरेशन. उन्हें सब कुछ फास्ट चाहिए. टेक्नोलॉजी फास्ट है, उनकी लाइफ भी फास्ट है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन भी फास्ट चाहिए, मतलब जवाब भी फास्ट चाहिए. तो क्यों ना हम साथ में मिलके वुमेन को वुमेन एम्पावरमेंट को जल्द से जल्द जितने भी वुमेन यहाँ पे है उन्हें एम्पावर करें. एंड आई एम ग्लैड दैट दिस गर्ल इज़ डूइंग इट एट 14 इयर्स ऑफ एज. मतलब एक ही बात मेरे जहन में आती है कि इनकी परवरिश जो है या जो बातें हो रही है घर पे इट मस्ट बी रियली काबिल तारीफ़ के 14 इयर्स में उसने ये कदम उठाया है कि लेट्स ब्रिंग द वुमेन टुगेदर. वुमेन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन मतलब इक्वालिटी इन डिस्पैरिटी मतलब जितने भी आप अलग हैं लाइक मैं अलग हूँ कोई और लेडी कुछ अलग कर रही है लेकिन सारे के सारे हम कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं. तो साथ मिलके अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. एक बहुत ही अच्छी कहावत मैंने आजकल पढ़ी थी एक बुक में कि हम इस धरती पे सिर्फ हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और सिर्फ पार्टी करने नहीं आए हैं. हम यहाँ आए हैं लोगों को मदद करने. अगर आप किसी की लाइफ को बेटर नहीं कर रहे आप अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे देन यू आर अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ. आई माई सेल्फ बींग एन एक्टर आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड लाइफ कोच. मैं एक क्वालिफाइड लाइफ कोच हूँ एंड इनफैक्ट हाल ही में एक हफ्ते के बाद आई एम टेकिंग माई फर्स्ट एवर वर्कशॉप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. सो दिस इज़ माई गिव बैक टू सोसाइटी. आई थिंक हर एक शख्स जो है वेदर योर मैन और वुमेन यू नीड टू हेल्प अदर पीपल क्योंकि यही तो है यू नो दस्तूर है जिंदगी की. ऑफकोर्स इनफैक्ट आज समय आ गया है कि अगर आप शादीशुदा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉय और गर्ल है. आप बॉय हो सकते हैं गर्ल गर्ल हो सकते हैं. आई थिंक लाइफ हैज़ ओपनड अप सो मच और खुल के माँ बाप भी अपने खुद के बच्चे को स्वीकार कर रही है. इट डजेंट मैटर इफ योर गे डजेंट मैटर वॉट योर प्रेफरेंसेज आर. लव हेल्प टुगेदर संगत यू नो जस्ट एम्पावर द अदर पर्सन. पता नहीं आपके कुछ अच्छे लव्स उस दिन के अच्छे लव्स उस इंसान को कहाँ तक पहुँचाएगा. और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं जिनके बच्चे की कस्टडी उनके पास नहीं है. और अक्सर मैं उन्हें जब यू नो व्हेन आई एम हेल्पिंग देम आउट जब वो मेरे पेशेंट्स हैं क्लाइंट्स हैं मैं कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ उन्हें बेटर फील करने के लिए उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए. और महीनों के बाद वो मेरे पास आते हैं यू नो दे से तनाज जो आपने मुझे उस दिन कहा था टिल टुडे आई
मेंबर और मैं उसी पे चल रही हूँ. सो यू नेवर नो आपके बोल में क्या अनमोल चीज होगी जो उस इंसान को आगे तक लेके जाएगा. एंड इमेजिन आपका कर्मा कितना बढ़ेगा एंड इमेजिन आप कितने खुश फील करोगे, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते. निजी जिंदगी में मेरे तीन बच्चे हैं एंड स्कूल जाते हैं एंड ऑफकोर्स आई एम वर्किंग ऑन सम वेब शोज. दो वेब शोज है, एक नई सीरियल शायद शुरू होने वाली है एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफ कोच. सो मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा चलते ही रहते हैं एंड या दैट्स इट. दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑफकोर्स आई एम इन्फ्लुएंसर नाउ. सो बहुत सारा कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहती हूँ एंड या बच्चे फिलहाल बहुत सारा समय लेते हैं मेरे, बट आई लव इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ एज पेरेंट्स. यू नो एक बच्चा इतना अच्छा कॉज के लिए करना चाहते हैं, इट्स आर यू नो ड्यूटी यू नो टू सपोर्ट एंड ऑफकोर्स पूरे दिल से हम लोग ने सपोर्ट किया है इनिशिएटिव के लिए पूरी फैमिली. डोंट यू वुड लाइक टू से समथिंग? इक्वालिटी एक ऐसा कॉज है जो पूरे वर्ल्ड में आज लोग इसके ऊपर बहुत काम अपना करते हैं. इक्वालिटी सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं है, कास्ट क्रीड कलर रिलीजन हाइट हर चीज़ पे इक्वालिटी पे लोग काम कर रहे हैं. प्रणाया ने आज से 2.5-3 साल पहले इक्वालिटी पे अंडरस्टैंडिंग चालू की और हमारे सारे फैमिली ने उसको पूरे दिल से इस चीज़ पे सपोर्ट की मदद किया. और उसने आज पिछले 2.5-3 साल में किस लेवल पे आके आज उसने एक इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड. एकता जी क्या लगता है आपको किस समय आ गया है इक्वालिटी के बारे में खुलकर ऐसे मंच पर बात करनी चाहिए जो आज यहाँ पे हुआ? आज हम बात कर रहे हैं इससे यही पता चलता है कि ज़रूरत है, तभी तो बात कर रहे हैं. इट्स द नीड ऑफ द आवर. अभी तक बदलाव आया नहीं है, हम खाली अपनी कोशिश कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए और छोटी छोटी कोशिशें मिलके ही एक दिन ज़रूर बदलाव आएगा. बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आए सपोर्ट करने के लिए, तनाज हैं, अश्विला शाह है और अर्चना कोच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सबके लिए? Thank you so much for supporting my daughter in her, you know, in her initiative. Really honor to have you all here. आप लोग अपने busy schedule से हमारे लिए time निकाल के लाए. Really thank you so much. And you all are the inspiration. आप लोग सबने benchmark set किया है. And my daughter, she's taking baby step towards it. आज मेरी पूरी फैमिली इधर है, इससे आपको ये पता ही चल जाएगा कि पूरा सपोर्ट है तभी इधर है. सो फैमिली का सपोर्ट से यू नो इट्स द विंड बीनीथ द विंग्स. सर की आंखें भी भराई खत्म हो गई. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी बेटी को एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस लेवल पे देखते हुए कोई भी फादर और उसकी फैमिली ज़रूर प्राउड होगी. और जिस लेवल पे उसने ये टॉपिक चूज़ किया है अपने लाइफ में ये प्लेटफॉर्म क्रिएट ये करने के लिए इक्वालिटी, आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म उसको लाइफ में बहुत बहुत ऊंचाई पे लेकर ही जाएगा. प्राउड फील हो रहा है आपको ऐसे डॉक्टर से? जब एक जमाना था कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, लेकिन आज बेटियों की इक्वलिटी की बात हो रही है तो प्राउड फील कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड फील करते हैं और आप देख ही रहे हैं कि बेटियां कमाल करती हैं. आप थे पूरे इवेंट में. थैंक यू सो मच. किस पे? इक्वालिटी पे. इक्वालिटी प्रणया को बहुत मे
मेरे तरफ से बधाई. उन्होंने ऐसे अवार्ड फंक्शन अरेंज किया है औरतों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खास करके इस दौरान जब कोविड में इतना ज़्यादा काम नहीं था, लोग थोड़े डीमोरलाइज थे, तो वुमन अचीवर को और इम्पीटस देना और इनक्रेज करना खास करके इस वक्त इम्पॉर्टेंट है. मगर हमेशा इंडिया को अगर अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो और औरतों को अपने वर्कफोर्स में लाना है. इंडिया और यूएसए और चाइना इतने आगे क्यों हैं जीडीपी में, क्योंकि वो औरतों को बहुत इनक्रेज करते हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि और औरतों को वर्कफोर्स में लाएँ. इक्वालिटी इस वक्त का मैसेज है. LGBTQ कम्युनिटी हो या औरतें हो या हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स हो, हमें इक्वालिटी का मैसेज बहुत आगे बढ़ाना है. और विमेन अचीवर्स को आदमियों को जैसे पे मिलती है, इक्वल जॉब इक्वल पे जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाँ, इक्वालिटी इज द नेम ऑफ द गेम टुडे. इक्वालिटी के बात किसके बारे में, विमेन अचीवर्स के इक्वालिटी? यूथ को बहुत ज़रूरी है कि विमेन अचीवर्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, हर तरीके के इक्वल राइट्स के बारे में जानना और बात करना. अगर यूथ एक कदम उठाए, बिकॉज इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन, इंडिया में जो यूथ का पॉपुलेशन है हाईएस्ट है अंतरिक्ष में, और उनको अगर ये कदम लेना है तो इंडिया को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है. बिकॉज we have to include everyone, we have to be inclusive to be a successful nation. Thank you, Nisha. Thank you, sir. शाम को और प्रणाया को देख के मैं दिल से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी और आई थिंक हर माँ मेरी तरह सोचेगी. मेरी भी एक बेटी है और प्रणाया को देख के मुझे लगता है कि काश हम सबके बच्चे ऐसे हों, इतनी होनहार, इतनी टैलेंटेड. और एक चीज़ है इतनी अच्छी सोच हो पाना और दूसरी है उसको इतने अच्छे तरीके से आगे ला पाना. और जिस किस्म के आज नाम जुड़े हैं प्रणाया के साथ इस इनिशिएटिव में, उससे पता चलता है कि वो इसे किस लेवल तक ले जाना चाहती है. आई थिंक ये एक बहुत ही पहला है लेकिन बहुत ही छोटा कदम एक बहुत बड़ी दिशा में है और आगे आगे देखिए होता है क्या. पूजा जी, क्या लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि इक्वालिटी के बारे में खुलकर मंच पर बात की जानी चाहिए? आई थिंक अब हर जगह खुलकर ही होती है. इवन हम अगर कॉन्टेंट देखें जो आजकल हम एज व्यूअर्स वॉच करते हैं, तो आई थिंक हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं एंड काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है. बट ऑफ कोर्स वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द फैक्ट कि अभी भी और आगे काम करना है इस पर. लेकिन हम एटलीस्ट एक बहुत ही लिबरेटेड सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ कभी भी किसी को कम या किसी से छोटा नहीं फील होता है. लेकिन हाँ, दिस इज़ नॉट एवरीवेयर. अभी भी कई जगह इसे पहुँचाना है. जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, जितने लोग और जुड़ेंगे इस कॉज में, उतना ही ये और आगे बढ़ेगा. एक किस्म से एक मूवमेंट बनेगा, विच आई थिंक जो शाम आज थी उससे बहुत ही क्लियर है कि ऐसी मूवमेंट बन रही है और बन चुकी है. सो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. थैंक यू सो मच. के बारे में लोगों ने चर्चा की, क्या लगता है और प्रणाया इतनी यंग है और इतने लोग सपोर्ट करने आए, और इक्वलिटी क्या लगता है आपको, इक्वलिटी पे खुल के अब चर्चा होनी चाहिए? So firstly, I'm very honored to curate such an event for Pranaya Vasan. She's made each one of us so proud. All of 14 years old,
so young, a young teenager, and she's actually a very good example to all the future young kids, and spreading the awareness of equality. And I feel that spreading awareness at such a young age is so important, especially for the young youth, for this current generation right now. And yeah, I mean, she's doing a fabulous job, and I wish her all the very best, and I hope and wish that she's you know, creates lots of name and success, not only in India but all over the world, globally. So I really feel that firstly they've come to support. It's such a big thing for Pranaya, and I would actually thank each one of them coming here today to support Pranaya Vasan for such a great and noble cause. I feel that you know, it's always good for celebrities like Tanaz and Nisha Raval and Nisha Jamwal, Kashmira Shah, all of them here present today, supporting a young teenager and to spread awareness. It's really commendable how they've come here today. So I really thank each one of them, Rohit Verma, Archana Kochar. They are so supportive to this young teenager. I really, really feel thankful that they've been here today and extended the support to Pranaya. So yes, they are really doing a good job by spreading the awareness for Pranaya as well. What challenges were there to Yeah. Well, yes, it has been tough and rough couple of days, but I think I always believe what all's well that ends well. It is a team effort, right from stage to production to the awards to the invites to the guest listing to the gifting. Everything is so intricately taken care of, and I thank Ekta Vasan and Pranaya Vasan for extending and their support and believing in me, trusting me so much to pull off this event. Thank you so much.